कृष्ण मथुरा में जन्म हुए ना कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, कहते इसी विषय को लेकर के इतने झगड़ा है, इतने लड़ाई है, इसलिए हमारे महाराज जी कभी इसी विषय को लेकर के मथुरा में जितने चौबे थे, एक समय कोई एक बहुत बड़ा विद्वान था, उनको सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन वहां पर मथुरा के बड़े बड़े सब पंडित लोग बैठे हुए, बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हुए थे, और उसमें हमारे महाराज जी बस ये बात को छेड़ दिए, कृष्ण गोकुल में जन्म हुई, और मथुरा के जितने पंडित लोग थे ना वो मथुरा के हैं, इसलिए उनका अभिमान हम मथुरा में रहते हैं, और कृष्ण कहाँ पर प्रकट जन्म हुए, कहते कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, गुरु जी को साथ में इतनी द्वंद्व उनको हुई, हम वहां पर थे, हैं वहां पर हम थे, गुरु जी को साथ में इतनी उनकी द्वंद्व डिस्कशन हुई, बहुत डिस्कशन इसी विषय के ऊपर भी, उसी समय गुरुदेव ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। कद भागवत में एक श्लोक है, जिस श्लोक को विशेष करके पंडित लोग उसी श्लोक को लेकर के वो स्थापन करना चाहते हैं, कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, बोले वो कौन सा श्लोक है, बोले कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, इसी श्लोक को लेकर के, क्योंकि वहां पर कहते कृष्णाय वासुदेवाय, कहते कृष्ण कौन है, कहती कृष्ण नाम वासुदेव, क्यों वो वसुदेव का बेटा है, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं, इसलिए वासुदेव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतनी अच्छी बात उन्होंने बताई, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उनका नाम वासुदेव क्यों नाम पड़ा, कारण क्या है, बोले कारण है जो 8 वसु है, 8 वसुओं में जो सबसे बड़ा वसु है उसका नाम वसुदेव, उसका नाम वसुदेव, और वही जो वसुदेव है कहते वही श्री नंद बाबा बन करके आए, 8 वसु में जो नंद बाबा बन करके आए, यहाँ पर जो वासुदेव शब्द का यहाँ पर बताया गया ये किसके लिए बताया गया, श्री नंद बाबा के लिए बताया गया। बोले और कुछ उसमें प्रमाण है, बोले देखो उसमें श्लोक में क्या कहते हैं, है उस श्लोक में देखो, तुम लोग तो इतना संस्कृत भाषा नहीं जानते, तो उस श्लोक में क्या कहते हैं, कहते उसमें कहते कृष्णाय वासुदेवाय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर व्याख्या किया है, बोले जो व्यक्ति कृष्ण को भजन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन उनसे भी कोई श्रेष्ठ है, बोले कौन है, बोले श्री वसुदेव महाराज, बोले क्यों, वो जगत पिता होते हुए भी उन्होंने श्री वसुदेव का अपना पुत्र रूप में, भगवान अपना बेटे रूप में स्वीकार किया, बोले उनसे बड़े कौन है, बोले देवकी, क्योंकि उसने भगवान को अपना गर्भ में ये देवक, इसलिए कहते पिताजी से ज्यादा जो महत्व माता जी की है, बच्चे को बड़ा अधिकार, बोले क्यों, कहते माता ही गर्भ में बच्चे को धारण करती है, बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले नंद और यशोदा, क्यों कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए लेकिन किसकी गोद में, उन्होंने दूध किसकी गोद में पान की, उनको झूला में झुलाया किसी ने, उनको ठुमक ठुमक करके चलाना किसी ने सिखाया, कहते श्री यशोदा और नंद, बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले से ब्रज की गोपियां, बोले क्यों, बोले कृष्ण रास किसको साथ में किए, रास लीला सर्वश्रेष्ठ लीला है, रास किसको साथ में किए, बोले से गोपियों को साथ में, बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले गोविंदा, बोले गोविंदा नंद ने कहा था कि गोपियां भी चरण की सेवा करती हैं, वो कौन है, श्री राधा रानी, बोले श्री राधा रानी की जय, जय। तो ये एक अर्थ है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दूसरा अर्थ करते हैं, इसी श्लोक में कृष्ण कैसे नंद नंदन है ये चीज को स्थापन करते हैं, बोले कैसे, बोले कृष्णाय वासुदेवाय, ये जो वसुदेव शब्द वो अष्टम वसु वो नंद बाबा बन करके आए, इल वसुदेव कहते, इसलिए दूसरे शब्द में बोले देवकी नंदना, यहाँ पर देवकी का बेटा बोला, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कहते जसोदा की दो नाम है, एक देवकी और एक जसोदा, उनके दो नाम है, इसलिए यहाँ पर जो देवकी शब्द प्रयोग की है वो देवकी के लिए नहीं जसोदा के लिए, प्रमाण देखो आगे क्या बोलते हैं,
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, बोले नंद गोप कुमाराय, कुमार मतलब बेटा संतान, बोले किसके, बोले नंद गोप, यहाँ क्लियर कर देते हैं वो नंद के लाला कृष्ण हैं, ये नंद के लाला कृष्ण हैं। इसलिए ये श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये कृष्ण नंद लाला है। भैरव भागवत से बहुत सारे श्लोकों को है कहते, बहुत सारे श्लोकों को वहां पर उत्थापन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पर कहते। और गुरु जी एक बार गोकुल में गए थे, फिर वहां के जो पंडित लोग थे ना, वो पंडित लोगों को साथ में बड़ी गुरु जी की शास्त्रार्थ हुई, कहाँ कहाँ भागवत में कृष्ण नंदनंदन कृष्ण है ये चीज को गुरुदेव ने स्थापन किया। देखो कहाँ कहाँ पर, कहते गोपियां जब गोपी गीत को गाती हैं, गोपियां तो कभी झूठ बोलेगी नहीं है। गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, बोले जयति तिलिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दैतदृक्षताम दीक्षुतावका सोई धृतात् सब त्वांग विचिन्नति। ये गोपिया राधा रानी कहती हैं, बोले हे श्याम सुंदर, जब से तुमने जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, जब से तुमने ये ब्रज में जन्म ग्रहण किया है ना, बोले तब से ये ब्रज की जय जयकार हो रहा है, ब्रज में तुम्हारी बड़ी नाम हो रही है ब्रज में है। लेकिन केवल तुम्हारी गोपियां ही दुखी, लेकिन सब दुख हो चुकी है, तो कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए ना, इसलिए गोपियां, इसलिए गोपियां कहती हैं कहाँ पर, जन्मना ब्रज, ब्रज में जन्म हो गए गोपियां कहती हैं। फिर अभी जो प्रभु जी ने श्लोक उत्थापन किया है, ये पितामह ब्रह्मा जो सब जानते हैं, बोले ब्रह्मा मतलब क्या है, बोले ब्रह्मा एवं सर्वभीत भवती, ब्रह्मा का मतलब होता है जो सब जानते हैं, वह हमारा आदि गुरु है ना, दुनिया को सृष्टि करने वाले जो सब कुछ जानते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं नौ मिट्यते अभ्रवपुषे तड़िताम्बराय गुंजावतंस परिपीच लसत मुखाय अन्यस्रजे विशाल वेणु मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण कौन है, बोले पशुपांगजाय, पशुप मतलब जो गैया को चराने वाले, क्या वसुदेव गैया चराते थे, गैया कौन चराते थे, नंद बाबा, इसलिए पशुप जो पशुओं को चराते थे, बोले कौन है ऐसे जो नंद बाबा अंग मतलब उनके अंग से जो प्रकट हो गए, इसलिए कहते ना जो पुत्र को कहे क्या कहते हैं, पिताजी की स्वरूप पुत्र को मानी जाती है, पुत्र को पिताजी की रूप मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी स्थापना करते हैं कृष्ण कौन है, बोले पशुपांग जाय। पर देखो जब श्री सुखदेव गोस्वामी नंद महोत्सव का वर्णन कर रहे हैं, कहते 18 श्लोक में उन्होंने कृष्ण का जन्म उत्सव को उन्होंने वर्णन किया। पहला श्लोक है पहले कहते कृष्णस्तु आत्म जातालाद महामना। हाँ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्तु आत्मज है जातालाद महामना, नंदस्तु नंद के है कहते, जिनकी उनकी आत्मा से जो जात हुए होने पर नंद बाबा को क्या हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इसलिए हम कहते हैं ना नंद के आनंद भयो, नंद बाबा की आनंद भयो है, वहां पर नहीं कहते वसुदेव का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कौन है, नंद के लाला है। फिर गर्गाचार्य कहते हैं, जब श्री गर्गाचार्य को वसुदेव महाराज भेज रहे हैं गोकुल में, और श्री वसुदेव महाराज कहते, बोले हे गर्गाचार्य आप तो त्रिकाल दृष्टा, आप सब जानते हैं ये कृष्ण, कृष्ण किसकी बच्चे हैं, क्योंकि कृष्ण मेरा ही बच्चा है, इसलिए मैंने राता राते लेकर के उनको कहाँ पर छोड़ करके आया गया, राता रात मैंने छोड़ कर उनको गोकुल में मैंने छोड़ करके आया है, आप तो त्रिकाल दृष्टा आप सब जानते हो,
पहले पहले ये नियम होता था, जब बच्चे का कोई नाम रखते थे, ऐसे कोई नाम नहीं रख लेते थे, वो नाम होता था पिताजी के साथ में जुड़नी चाहिए, ऐसे कोई नाम नहीं रख लेते थे ना? पिताजी को साथ में नाम जुड़ करके रखनी चाहिए, ऐसे नहीं टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की ऐसे सब नाम कोई नहीं रखा करते थे। क्यों? संतान जो होता है वो परंपरा को रक्षा करने वाले, कुल की मर्यादा को रक्षा करने वाले। जैसे कृष्णा शब्द देखो, कृष्णा, कृष्णा जी के पिताजी का नाम क्या है? नंदा है, नंदा पहला अक्षर न, इसलिए कृष्णा स्नाम में जो न है वो न वहां से लिया है। उनको पिताजी का नाम क्या? नंद बाबा का पिताजी का नाम परिजन बाबा है, इसलिए क्री, क्री में जो री शब्द है ये परजन्य पर में र आकर वहीं पर लिया है। इसलिए पहले जो नाम रखते थे वो पिताजी के नाम के साथ में मिलाते हुए, जैसे राम है, पिताजी का नाम क्या है? दशरथ, दशर वो जो र क्या वो वहां से र कर लिया, और उसमें उनको पिताजी का नाम मिला आज, इसलिए ये अखिल राम, माँ में जो अ है वो वहां से अ लिया है। इसलिए पहले जो नाम रखते थे वो ऐसे तैसे नहीं नाम रखते थे, उल्टा पुल्टा जो मुंह में आ जाए। इसलिए वसुदेव महाराज सोच रहे हैं, अभी तो बेटा तो मेरा है, लेकिन नंद सोच रही है बेटा मेरा है, जब ये नामकरण होगा है, नियम है पिताजी का नाम को साथ में जुड़ते हुए नाम करेंगे, और वो तो नंद बाबा को साथ में जोड़कर नाम कर लेंगे। जो एक बार नामकरण हो जाता है ना, फिर दो बार नाम नहीं होता है। इसलिए उन्होंने उनको बोले, बोले वसुदेव महाराज जी आप तो सब जानते हो, अब लाला का ऐसे एक नाम रखियो जो मेरे नाम को साथ में मिलते जुलते हो, तो ठीक है। इसलिए उनका नाम तो कृष्ण नाम रखे ही है, लेकिन उनका और एक नाम वसुदेव रख दिए। बोले क्यों? बोले प्राग अयम वसुदेवस्य कोचित जात तबात्मज, कहती है बेटा किसके है? बोले तबात्मज, ये तुम्हारी बेटा है, ये और किसका बेटा नहीं है। हाँ ये तुम्हारा तो बेटा है, लेकिन कोचित जात ये कभी ये वसुदेव का बेटा बना दी, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव नाम होगा, इसलिए उन्होंने ये वासुदेव नाम रख दिया है। यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन किया है कृष्ण कौन है, ये वासुदेव, लेकिन बेटा किसका है? श्री नंद का। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण देते हैं। बोले क्या उदाहरण देते हैं? गुरुदेव ये बात को कहते हैं, बोले कोई भी ब्रजवासी कभी भी ये बात को स्वीकार नहीं करेगा कृष्ण वसुदेव का बेटा। बोले क्यों? आप लोगों को पता होगा बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के पेट से जब जन्म होता है उसका नाड़ी काटते हैं, ये नाड़ी माँ को पेट को साथ में जुड़ा हुआ होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हाँ, ये बात को गुरुदेव कहते हैं कृष्णा जब मथुरा में प्रकट हुए क्या नाड़ी कटे हैं? नाड़ी कट गई, नाड़ी कटी नहीं। बोले क्यों? बोले कृष्णा वहां पर जन्म हुए ही नहीं, कृष्ण तो वहां पर प्रकट हुए हैं, कृष्ण तो जन्म वहां हुए ही नहीं हाँ? वहां इसलिए पहले कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, शंख चक्र गदा पद्म रूप में दर्शन दिया, दर्शन दे करके जब से वसुदेव महाराज बोले आपको तो हम अपना पुत्र रूप में प्रार्थना किया था, अब ये चतुर्भुज रूप में आए हो, घुंघरा लेके चमकीले चमकीले वस्त्र शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के, तब श्री कृष्ण कहते हैं बोले देखो पूर्व जन्म में तुम दोनों कृष्ण और सुतपा थे, कठोर मेरी आराधना की, पेड़ से जो पत्ता गिर जाता था उसको खा खा कर आराधना की, जब मैंने दर्शन दे करके संतुष्ट होकर के वर मांगो, इसलिए तुम दोनों ने ये बताए आप जैसे हमें एक लाला मिले। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा लाला बनकर ही आ जाऊंगा। देखो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत अच्छी बात कहते हैं, कहते श्री वसुदेव महाराज ने क्या बोले, आप मेरे लाला बनकर के आओ। इन्होंने किसको आराधना की? भगवान विष्णु को। बोले श्री नंदी जसोदा ये द्रोण धरा थे, कहते ये दोनों ने आराधना की ब्रह्मा को। जब ब्रह्मा संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो? एक ने क्या मांगा? मेरे बेटा बन कर क्या हो। लेकिन दूसरे ने क्या मांगा? द्रोण और धरा उन्होंने क्या मांगे? उन्होंने बोले आप स्वाभाविक रूप में जैसे एक बच्चा मैया की पेट से जन्म लेता है,
मैं चाहता हूँ मेरे गर्भ से आप जन्म लो। जैसे स्वाभाविक रूप में माँ अपना बच्चे को कान मोल देती है, थप्पड़ मारती है, उनको दूध पिलाती है, पलना में झुलाती है, उसका अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक कर चलाना सिखाती है, कहते मैं ऐसे चाहता हूँ, आप मेरे स्वाभाविक रूप में बेटे बन करके आओ। देखो एक ने क्या प्रार्थना किया, आप बेटे बन करके आओ, और एक ने प्रार्थना किया स्वाभाविक रूप में माँ की पेट से जैसे जन्म लेकर उसको वात्सल्य रस प्रदान करते ही हम वात्सल्य रस को प्राप्त करना चाहते हैं। देखो इसलिए श्रेष्ठ वस्तु किसको मिला है, जो भगवान को बेटे वाला उसको नहीं मिला है, जिसने प्रार्थना की स्वाभाविक रूप में जैसे माँ बच्चे को प्रयास करती हमें इस दो। हाँ देखो एक ने किसको उपासना की, विष्णु को, और एक ने किसको उपासना की, ब्रह्मा को। एक विष्णु को उपासना की और एक ब्रह्मा को उपासना की, लेकिन फल ज्यादा किसको मिला है, भगवान को भजन करने वालों मिला ना, भक्तों का, भक्तों का। इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान की उपासना से भक्तों का जो उपासना है वो जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाली। इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से विनाम निसंशय च अत्र तद्भक्त परिचर्या रतात्मना। भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना डायरेक्ट करते हैं मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता तू मेरे को प्राप्त करोगे, लेकिन जो व्यक्ति मेरे भक्तों को उपासना करते हैं बोले निसंशय च अत्र और निश्चिंत रूप में मेरे को प्राप्त करेगा ही, निश्चित रूप में प्राप्त करेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कोई भी ब्रजवासी कभी ये बात को स्वीकार नहीं करेगा कृष्ण देवता मानने। क्यों बोले तू क्या बोल रहे हो, हम अपना आंखों से देखा, बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेती है बड़ी बड़ी माता है वो नाड़ी काटती है ना, वो नाड़ी छेदन करती है, कदा हमने स्वयं देखा मैया की गोद से जन्म हुआ अपना हाथों से हमने नाड़ी काटी हमने, तो फिर हम माँ के पेट में जुड़ी रहते ना वो नाड़ी, कहते हमने देखा नाड़ी छेदना अपने खुद किया, अब तू कह रहे हो वसुदेव का बेटा। इसलिए गुरुदेव कहते हम कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और गुरुदेव और कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए विश्वनाथ चुटार कहते हैं जब कोई बेटा माँ की पेट से जन्म लेता है कहते ये नाड़ी छेदने से पहले जो दान की जाती है ये दान को सबसे श्रेष्ठ दान मानेंगे, ये नाड़ी कटने से पहले। इसलिए उनकी नाड़ी कटने से पहले जब श्री नंद बाबा को पता चला मेरे घर में लाला भाई हुए, नंद बाबा तो दौड़ दौड़ करके आए, आकर के नंद बाबा ने उन्होंने संकल्प किया, क्या संकल्प किया, बोले मैंने ब्राह्मण को 20 लाख में गैया दान दूंगा, और क्या करूंगा 7 तिल की पर्वत है, हम ये संतों को 7 तिल का पर्वत में ये संतों को दान करूंगा। उन्होंने ये चीज को उन्होंने संकल्प किया है, संकल्प को बाद में फिर उन्होंने ये नाड़ी छेदन उसको बाद में दिए है। इसलिए इसी बहुत सारे प्रमाण से यहाँ पर ये प्रमाणित होता है कृष्ण कौन है, किस कृष्ण कौन है, जसोदा की लाला ये कृष्ण है ये, और किसकी लाला नहीं। इसलिए गुरुदेव इस बात को द्वारा उन्होंने मुझे 24 को साथ में उन्होंने तर्क वितर्क हुआ ना, इसलिए उन्होंने इस बात को उन्होंने ऐसे ऐसे गुरुदेव को बताया ना, उन्होंने ऐसे ऐसे गुरुदेव ने सब एग्जाम्पल दिया जिसको सुन सुनकर ना वो जिंदगी में कभी सुने नहीं इस बात को, क्योंकि ये सब चीज हमारे गौड़ीय वैष्णव का है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताए, इसलिए वो 24 सुन सुन करना प्रभु जो दंग रह गए हैं, चुप हो गए, गुरुदेव ने सबको चुप करवा दिया हैं, सब के सब चुप हो गए, और वहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान वहां पर बैठे हुए थे। कहते हैं कि रुद्र जामवल में श्लोक आती है, ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले जसोदा नंद पत्नी च सुसुवाते समम तथा, शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले पार्वती मैंने ये चीज को देखा, बोले क्या देखा, बोले जसोदा नंद पत्नी च, नंद पत्नी की जो जसोदा है सुसुवाते समम तथा, उन्होंने एक साथ में दो बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, पहले तो कृष्ण आए उसके बाद में छोटी बहन जो माया है, इसलिए बोलते विष्णु और अनुजा, इसलिए कहते ये विष्णु की ये कौन है, अनुजा, अनु मतलब पीछे, जा मतलब जन्म जो ली, जिसको पीछे जो जन्म ली है बोले कौन, बोले ये जो माया है। इसलिए बोले गोकुला गोकुला के कुमार
सांबिका मथुराम गता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि तो उनको दो बच्चे जन्म हुए। जब दो बच्चे जन्म हुए उन्होंने क्या किया, बोले बेटी को कहाँ लेकर गए थे, मथुराम गता, सांबिका मथुराम गता। बेटी को लेकर कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। हैं अभी प्रश्न है, दो कृष्ण हो गए, एक तो मथुरा में प्रकट हुए और एक गोकुल में जन्म हुई। अभी प्रश्न है फिर दो कृष्ण, फिर एक कृष्ण कहाँ गया, मतलब दो कृष्ण हो गए ना, फिर एक कृष्ण कहाँ गया। शंकर जी कहते हैं लीने सौदा मिनी जथा, जैसे आकाश में ये बिजली चमकती है, ऐसे ही जो जो नंदनंदन कृष्ण, ये जो पूर्ण कृष्ण है ये पूर्ण श्री नंदनंदन कृष्ण है, उन्होंने क्या किया, जो अंश कृष्ण जो मथुरा में जो प्रकट हुए थे उन्होंने क्या किया, उनको अपना शरीर में मिला दिया। लेकिन ये अंधकार में ये वसुदेव महाराज को ये बात पता चली नहीं। थोड़ा पानी ले। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते ये जितने सारे प्रमाण से, ये जितने सारे प्रमाण से और प्रमाणित करते हैं। कहते कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण श्री नंदन नंदन है, कृष्ण वसुदेव नंदन नहीं। गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल। हरे हरि बोल। फिर हम लोग शाम को सुनेंगे कृष्ण इसी जगत में क्यों प्रकट हो गया है, इसलिए गुरुदेव ने उसमें करके 10-15 कारण बताए। इसलिए गुरुदेव ने एक ग्रंथ निकाले है कृष्ण जन्म रहस्य है, कृष्ण इस जगत में क्यों प्रकट हुए, करीब 10-15 पॉइंट गुरुदेव ने, कुछ मुख्य कारण है और उसमें कौन कारण है, कुछ साधारण कारण है और उसमें कुछ विशेष कारण है। उसमें साधारण कारण किया और विशेष कारण किया बोल करके गुरुदेव बहुत बढ़िया ग्रंथ निकाले, जिसको गुरुदेव मथुरा में पाठ करते थे, कभी मथुरा में गुरुदेव उसको पाठ करते, उसको एकत्रित करके वो ग्रंथ निकले। और शाम को हमारे ये प्रभु जी शाम को इस विषय पर मेरे पास में आ जाना, सारे पॉइंट्स को लिख लेना और शाम को बढ़िया करके उसको एकदम एक्सप्लेन करके बताना, ठीक है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ और 5 मिनट सुन लेते हैं। कभी ये कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, हैं क्या श्रवण कर रहे थे, जब श्री वसुदेव महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ, उसी समय श्री नारद जी बीच में, श्री नारद जी आते हैं, हरे कृष्ण हरि बोल, तुम जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, घर यार, घर तो यही है तो हरे कृष्ण। ठीक है, ये बेटा ना बेटी है, इसको हाँ इसको ना शाम को इसको बढ़िया सुंदर सजा कर ले आना।